क्या देश में किसी भी पार्टी को ये अनुमति है कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल शपथ ले और उस पार्टी का कोई नेता वहाँ पर शपथ ग्रहण में हिस्सा ले तो उसको पार्टी से निकाल सके, केवल इस वजह से कि पार्टी का स्टैंड इसके खिलाफ है। ये एक तरह से देशद्रोह की कैटेगरी में आना चाहिए और आता भी होगा, लेकिन ये हुआ है, कश्मीर में हुआ है। पीडीपी ने, हालांकि महबूबा मुफ्ती नज़रबंद हैं, लेकिन पीडीपी ने अपने एक राज्यसभा सांसद नाजिर अहमद लावे को पार्टी की मूल सदस्यता से केवल इस वजह से निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने, जो नए उपराज्यपाल बने हैं गिरीश चंद मुर्मू, उनके शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। ये वाकई में हैरानी करने वाली बात है। पहले जानिए नाजिर अहमद लावे हैं कौन, उनका वीडियो देखिए। पहले भी कुछ दिन पास किए और आज भी ये दिन करना चाहिए, चला रहे हैं देश के लिए। हमने इसी के खिलाफ है, जज क्या हमने होने नहीं देंगे। आज को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, आपने देखा किस तरह से जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लाया गया था संसद में तो इन दो सांसदों ने, पीडीपी के इन दो सांसदों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था, संविधान की प्रति फाड़ने की कोशिश की थी और साथ में अपने कपड़े फाड़ लिए थे। महात्मा गांधी की समाधि के आगे वो लोग धरना देकर बैठ गए थे, उसके बावजूद उनके साथ ये किया गया। नाजिर अहमद लावे लगातार कश्मीर में जो लोग परेशानी झेल रहे हैं, इंटरनेट बंद होने से, टेलीफोन बंद होने से, उनकी समस्याएं उठाते रहे। प्रधानमंत्री को एक लेटर तक लिखा कि एक अपना आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ भेजिए जो समस्याओं का यहाँ लोगों की आकलन करे और उसके बाद जो टेलीफोन सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं, उनको रेस्टोर कैसे किया जाए, इस पर वो अपनी सिफारिशें भेजें। लगातार नाजिर अहमद लावे ये समस्याएं उठा रहे थे, उसके बावजूद पार्टी ने उनको निकाल बाहर किया है। हालांकि पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया को जो जानकारी उनके प्रवक्ता ने दी है, उन पर ये आरोप लगाया नाजिर अहमद पर कि कैसे वो तीन तलाक बिल के दौरान अनुपस्थित रहे, कैसे वो ईयू डेलीगेशन से मिले जो आया था, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो उपराज्यपाल बने हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाना एक तरह से पार्टी के स्टैंड के खिलाफ था। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि अब कश्मीर को, कश्मीर के वाशिंदों को, कश्मीर की पार्टियों को वो अधिकार जो 370 के चलते मिले हुए थे वो 1 नवंबर से, यानी आज से ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो उन्होंने एक्शन उठाया है, जो उन्होंने पार्टी से निकाला है, उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के चलते उन्हें हटाया गया है, ऐसे में क्या ये देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा? क्या ये ऐसा एक्शन नहीं है जिसके खिलाफ कार्रवाई हो सके? और ये कार्रवाई होनी भी चाहिए, उन्हें ये बताने की सख्त ज़रूरत है कि अब कश्मीर पहले वाला कश्मीर नहीं है और ये इंडिया भी पहले वाला इंडिया नहीं है, ये नया इंडिया है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर जो भी कानूनन एक्शन होगा वो लेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि पीडीपी का ये रवैया वाकई में सही मायने में इंटॉलरेंस है, शर्मनाक है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।